अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं इम्तियाज अली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जाना है छोटे मोटे काम के लिए, ये आओ चलते हैं। गर्मी बहुत है, इंतजार नहीं करते। जी गाइस, ये देख लिए हमारे एक बकरी चलाने वाला, एक भैंस चलाने वाला। आप क्या भैंस चलाते हैं? बकरी। आपकी बकरी है? आपकी भैंस है? इसकी भैंस है, इसकी बकरी है, वो आपको दिखाते हैं। इस दफा कपास का फसल बहुत घाटे में है, नहीं हुआ है बारिश की वजह से, और उसके अलावा ना उसमें गुलबाटी है ना उसमें कपास है, और बहुत परेशान है सारे। ये कितनी गर्मी में। अस्सलाम वालेकुम भाई, ब्रेक नहीं लगता क्या? अच्छा, क्या हाल है? ठीक हो? ये हमारा भाई गर्मी में देख लो अपने किस के लिए, भैंसों के लिए, ये आप देख लीजिए। ठीक है भाई, आपकी मेहनत को सलाम। ठीक है, ये आप कपास का फसल देख लें। नीचे उतर गए नीचे उतर गए आगे, ये देख लीजिए इनमें कपास आपको नहीं नजर आएगी। ये गोबड़ा सा है गोबड़ा, और उसके अलावा ये जिसमें गई इसमें सूखी में से कपास निकलती है, और कपास इतनी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मजदूरों के लिए भी बहुत परेशानी है, और जमींदारों के लिए भी, बल्कि जिले के लिए नुकसान है। सिर्फ जमींदार के लिए नहीं, नाकाशकार के लिए, ये हर बंदे के लिए, मजदूर के लिए, दुकानदार के लिए, और बाजार में जो कपड़ा इससे बनता है वो भी महंगा होगा, लेकिन एक फसल ना होने की वजह से हर बंदे के लिए नुकसान है। ये गाइस हम आ गए हैं रास्ते में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक हो? तबीयत सही है? खैरियत है? ये यार डम उतार ले या गाइस, हम आ गए पेट्रोल पंप पे, यहाँ पे डम उतार दें, वापसी में आके पेट्रोल ले लेंगे। ये उतार ले डम। ठीक है, खैरियत है? तबीयत सही है? शेर साहब के पास, शेर साहब को माल लिखवाते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं। शेर से हमने काम कर दिया, 17,790 रुपए का बिल आ गया। अभी देते हैं शेर साहब को 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया दे रहे हैं।
जी गाइस, हम आ गए थे सर पास कोल्ड ड्रिंक के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब क्या हाल चाल है? खैरियत है? तबीयत सही है? ठीक हो? टाइम है? हाजिर बाबा, आज टाइम आए हुकुम कर। गाइस जी, हम सर साहब को कोल्ड ड्रिंक दिखाते हैं। ये हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं और उसके बाद में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर साहब, क्या हाल चाल है? ठीक हो? खैरियत है? तबीयत सही है? क्या हाल है? ठीक हो? गाइस जी, आ गए हम सर साहब के पास और अभी हम जरा माल लिखवा के उसके बाद फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो हो गई हमारी दवाई, ये फिनर गन, ये होगी ऐसी फाइल, ये होगी राइजिक, ये हो गया बट्टिया। तो सर साहब बट्टिया बोलते हैं ना? बट्टिया ये किस काम के लिए होता है? ये तो जब औरत बच्चा देती है तभी दी है। अच्छा, औरत बच्चा देती है और बकरी बच्चा देती है वो पीती है। अच्छा, ये सिर्फ उसके लिए होता है। और कहते हैं बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं उसको भी पिलाया जाता है? नहीं, उसके लिए नहीं, ये तो वैसे बच्चे औरत ही पीती है। अच्छा, ये गाइस मुझे भी पता नहीं था, आपने सुन लिया ना, जब औरत बच्चा देती है वो भी पीती है और बकरियां बच्चा देती है वो भी पीती है। हम लेके तो जाते हैं, लोग पूछते हैं, लेकिन आज से साहब से हमने पूछ लिया है। इसको पैक कर लो मेहरबानी। दोनों पैक तैयार हो गए, ठीक है भाईजान? ओके फिर साहब, ओके मेहरबानी, ओके अल्लाह से यार। ये लेके आना जरा, मैं बाहर मोटरसाइकिल को थोड़ा घुमाऊं। आज लोकेशन सही नहीं खड़ी हुई। ओ सर साहब, क्या हाल चाल है? ठीक हो? आप लेट आए लेकिन साफ सुथरे आए। ओके भैया, आगे अपने पुराने सर साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर साहब, क्या हाल चाल है? ठीक हो? खैरियत है? आज सर साहब की जरा तबीयत अच्छी लग रही है, आज वीवीआईपी लग रहा है। ये देख लो, ये सर साहब का बच्चा है जी। क्या नाम है? नाम क्या है? फिर साहब खुद बताएगा कि मेरे आयान मोहम्मद आयान। क्या हाल है? इधर इधर आ जाओ, इधर से रोशनी आती है ना इधर। ओ मेरी बहन, क्या हाल चाल है? ठीक हो? तबीयत सही है? खैरियत है? तबीयत सही है? खैरियत है? ये तो बाबा लग रहा है। दर दर मैंने तो समझा ये बाजी आ गई है, सर पे हाथ रख के मैंने इसको हाथ दे दिया। यार देख लो,